2019-20 में 56 आदमी को हम लोग यहाँ से भेजे थे फर्स्ट लॉट में एग्रीमेंट कराने के उपरांत, उसमें से 55 आदमी का पैसा वहाँ से ऑलरेडी डिसबर्समेंट हो चुका है। उसके बाद हम लोग 3-4 लॉट में उसके बाद भी भेजे हैं। उसके बाद सेकंड लॉट में 33 का गया, फिर 12 आदमी का गया था, उसके बाद फिर 24 का गया है। ये सब अभी प्रक्रियाधीन है पटना में, इसीलिए उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस सबका भी लोन डिस्बर्स कर लिया जाएगा। नहीं, 8 महीना से नहीं, उनका 30/8/2021 को यहाँ से डॉक्यूमेंट पटना मुख्यालय को भेजा गया है लोन डिस्बर्समेंट के लिए, उसका भी जल्द ही आ जाएगा पैसा। 4 महीने लगभग हो चुका है फिर भी नहीं आया है, तो आप लोग चूँकि यहाँ का इंचार्ज है तो फॉलोअप तो करते ही होंगे, तो वजह कुछ बताई जाती है? मेन वजह अभी यह है कि चूंकि एमडी को अभी एमडी साहब को हम माने अल्पसंख्यक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक साहब को अभी इलेक्शन ड्यूटी मिला हुआ है कटिहार जिला में पर्यवेक्षक के तौर पे, जिस वजह से उनको पटना और वहाँ भी दोनों जगह देखना पड़ रहा है, जिससे काम थोड़ा सा बाधित हो रही है। लेकिन अब इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द पैसा चला जाए।